सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर शिंदे, मैं महाराष्ट्र का महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पिछले 8 साल से महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना नाम की एक योजना कार्यरत है। इस योजना में महाराष्ट्र के सारे नागरिकों का, जिनके पास पीले रंग का, जिनके पास केसरी रंग का रेशन कार्ड है, उनके लिए ये योजना उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत 996 बीमारियाँ, जैसे बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी हो, उसके बाद लिवर, किसी का हार्ट का वाल ट्रांसप्लांट करना हो, कैंसर की अलग अलग तरह की सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी हो, या किसी का नी ट्रांसप्लांट, हिप ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियाँ हो, इसके साथ किसी को एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ हो, ऐसे अनेक 1000 बीमारियों के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने आपके लिए एक बीमा कंपनी के साथ बीमा पॉलिसी निकाली है। इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए आपके पास सिर्फ रेशन कार्ड की कॉपी और आपका फोटो आइडेंटिटी चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसे 1000 रुग्णालय है जिनके मार्फत ये योजना कार्यान्वित हो रही है। इन रुग्णालयों के बारे में जानकारी के लिए आप हमारा एक टोल फ्री क्रमांक है 1-55-388, इस टोल फ्री क्रमांक पर आप संपर्क कीजिए। आपके पास में कौन सा रुग्णालय उपलब्ध है, उसमें आपको जो बीमारी चाहिए उसके ऊपर वो योजना उपलब्ध है क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस हॉस्पिटल में आपकी जांच के साथ आपकी ट्रीटमेंट, आपका स्टे, सर्जरी, आपको दवाइयाँ जो लगती है, खून लगता है, एनास्थेटिस्ट का चार्जेस, सारे प्रकार के चार्जेस, डिस्चार्ज के टाइम दे जाने वाले मेडिसिन, स्टेंट लगते हैं, वाल लगते हैं, सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत फ्री है। आपको सिर्फ आपका राशन कार्ड और आपका फोटो आइडेंटिटी लेके जाना है। हर रुग्णालय में हमारा एक आरोग्य मित्र कार्यरत होता है, उस आरोग्य मित्र की मदद से आप इस योजना में एनरोल हो जाइए और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। इस योजना में अगर आपको लाभ मिलने के लिए कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे टोल फ्री क्रमांक 1-55-388 पर संपर्क कीजिए, या फिर हमारे आरोग्य मित्र के साथ आप ज़्यादा इंट्रैक्शन करके उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी कुछ तकरार है तो आप उसके पास दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।